कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान तैयार हो चुका है, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या होगा हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक का प्लान? सीएम नायब सैनी रहेंगे कप्तान या नए प्रदेश अध्यक्ष को मिलेगी कमान? विधानसभा में बहुमत का सवाल, क्या होगी बीजेपी की अगली चाल? हरियाणा में लोकसभा के नतीजों के बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए सियासी मैदान तैयार हो चुका है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा का जनादेश इस बार 50-50 रहा है, यानी हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है और 5 सीटों पर ही कांग्रेस ने कब्जा किया है। इन नतीजों के बाद अब विधानसभा के लिए बयानबाजियां गर्मा गई हैं। कांग्रेस जहां बहुमत से जीत का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी के सामने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। 2014 और 2019 के बाद अब 2024 में तीसरी बार बीजेपी जीत के लिए मास्टर प्लान के साथ मैदान में उतरेगी। बीजेपी की जीत के लिए इस जंग का कप्तान कौन होगा, ये सवाल भी हर जुबान पर है। सत्ता, सियासत और समीकरण के हर पहलू पर खरा उतरने वाला वो कौन सा दावेदार होगा जिसे बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हैट्रिक की जिम्मेदारी सौंपेगी, इस पर बीजेपी का फैसला अभी बाकी है। तब तक के लिए हरियाणा के मौजूदा हालात देखें तो बीजेपी ने 28 अक्टूबर 2023 को नायब सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने नायब सैनी को कमान सौंपी। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी माने जाने वाले नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने उस वक्त प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जब बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन तैयार कर रही थी। हरियाणा बीजेपी ओबीसी चेहरे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी और बीते 9.5 साल के काम के दम पर मजबूत सरकार की छवि लोगों के सामने रखी। नायब सैनी का कद सूबे में तब और बढ़ गया जब लोकसभा चुनाव से महज एक महीने पहले बीजेपी आला कमान ने 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया सीएम बना दिया। यानी एक ही समय पर नायब सैनी के पास कुरुक्षेत्र के सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के मुख्यमंत्री तीनों ही पदों की जिम्मेदारी थी। चुनावी समय में किए गए फेर बदल से बीजेपी को बड़े फायदे की उम्मीद थी। हालांकि हरियाणा का जनादेश बीजेपी के मन मुताबिक नहीं रहा। जहां बीजेपी 10 की 10 सीटों पर जीत का दम भर रही थी, वहां पार्टी 5 सीटों पर ही कमल खिला पाई। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी हाईकमान विधानसभा चुनाव में प्रदेश इकाई के संगठन की जिम्मेदारी किसे देने जा रहा है। सीएम नायब सैनी से पहले हरियाणा बीजेपी की कमान ओपी धनखड़ के हाथों में थी। 2020 से 2023 तक पार्टी ने ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। एक जाट नेता के तौर पर ओपी धनखड़ ने पार्टी को उन विधानसभाओं में मजबूती देने का काम किया जहां जाट पॉलिटिक्स हमेशा से हावी रही। 2023 में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी ने ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो ओपी धनखड़ से पहले सुभाष बराला के हाथों में हरियाणा बीजेपी की बागडोर रही। सुभाष बराला केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। 2014 में सुभाष बराला को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं 2019 के नतीजों के कुछ महीनों बाद ही पार्टी ने प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी। 2014 से शुरू हुआ बीजेपी की जीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे, इसके लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने हरियाणा से 3 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह देकर कर दी है।
जाहिर है ऐसे में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तमाम सियासी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चेहरे का चुनाव पार्टी करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।